हमारे साथ तो संदीप पांडे हैं, जो लखीमपुर में घटना घटी है उसको लेकर इनका क्या व्यू है, किसे देखते हैं, किस प्रकार से देखते हैं, इसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, किस प्रकार से आप इस घटना को देखते हैं, कानून व्यवस्था पर आपकी राय क्या है? देखिए, अब ये इससे साफ हो गया है कि मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकारें हैं वो सब किसान विरोधी हैं, क्योंकि मोदी 10 महीने से जो किसान बैठा है धरने पे दिल्ली को घेर के, उससे बात नहीं कर रहे हैं 26 जनवरी के बाद से। आप तालिबान से बात करने दोहा चले गए और अपने किसानों से बात नहीं कर रहे हैं, कश्मीर के नेताओं को बुला के बात कर रहे हैं, जिनसे आप जिनको आप पहले पता नहीं क्या क्या बता के आपने नज़रबंद रखा, जेलों में रखा, तो किसान कौन सा अपराधी है? और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरह का दमन किया है, भाई उनके राज्य में हुआ है, उसके लिए वो जिम्मेदार है, किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाई जा रही हैं, ये तो सरासर गुंडागर्दी है, क्रूरता है, बर्बरता है। तो ये और खट्टर कह रहे हैं कि 400-500 भाजपा कार्यकर्ता लाठी लेके किसानों पे हमला करें, तो ये सरकार जिसका चरित्र एकदम किसान विरोधी है, अब इसको सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और किसान आंदोलन जो चल रहा है अब और तेज होगा। अगर ये सोच रहे हैं कि दमन करके किसान आंदोलन को कुचल देंगे तो ये इनकी ना समझी। भाई, मैंने वो बयान पढ़ा है जिसमें योगी कह रहे हैं कि किसानों के बीच कुछ शरारती तत्व थे जिन्होंने हिंसा की, पत्थर वत्थर चलाए, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि भाजपा के अंदर भी अपराधी तत्व हैं। भाई, आप अगर किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं तो ये कौन सी मानसिकता है? आप गोली चला रहे हैं किसान पे, ऐसा तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ कि गाड़ी इस तरह से चढ़ाई जाए और गोली चलाई जाए। तो ये एकदम क्रूर सरकार है। और ये देखिए, चुनाव आता है, इस देश में हर एक को राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन किसान अपने मुद्दे को लेकर बैठा है। निश्चित है कि वो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए प्रयास करेगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में कहा गया था कि भाजपा को वोट न दे, किसान नेता वहां गए थे, और आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी और 2024 के चुनाव में भी किसान आंदोलन की तरफ से कहा जाएगा कि भाजपा हराओ, क्योंकि भाजपा जो राजनीति कर रही है वो किसान विरोधी है, वो पूंजीपतियों के पक्ष में है, ये अडानी अंबानी के पक्ष में है। तो भाजपा अपनी राजनीति कर रही है, किसान को पूरा अधिकार है अपनी राजनीति करने का, वो अपने मुद्दों को इसलिए उठा रहा है क्योंकि उसके अस्तित्व का सवाल है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि कुछ दो बीजेपी कार्यकर्ता भी इसमें मारे गए हैं जो कल हुआ है, उसको लेकर कैसे देख? नहीं, बिल्कुल हम ये मानते हैं कि चार किसान मरे हैं, तो चार दो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मरे हैं, एक अजय मिश्रा आशीष मिश्रा का ड्राइवर मरा है और एक पत्रकार भी मरा है, नमन कश्यप। तो हमारी आप प्रेस विज्ञप्ति देख लीजिए, हम जितनी भी मौतें हुई हैं, 8 मौतें, हम सभी मृतकों के प्रति और उनके जो परिवार है उनके प्रति हमारी संवेदना है। ये मौतें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्यों हुई, ये बड़ा सवाल है। आखिर केंद्र सरकार उस मसले को क्यों नहीं हल कर रही है? उसने ऐसी विस्फोटक स्थिति क्यों पैदा की है कि इस तरह की हिंसा हो रही है? तो इसके लिए जिम्मेदार तो केंद्र सरकार ही है। केंद्र राज्य को आप जिम्मेदार मानते हैं, पुलिस व्यवस्था को जिम्मेदार? यहाँ पे हुई है कानून व्यवस्था का जो मामला है वो राज्य सरकार के अधीन है अपने राज्य में, इसलिए दोनों सरकारें जिम्मेदार। इस घटना को लेकर आप कैसे देखते हैं? ये घटना पूर्व नियोजित है, क्योंकि इससे पहले जब तेनी का बयान आया था तो उसने कहा था मैं विधायक सांसद होने से पहले कुछ और था, और का मतलब हम लोग नहीं समझ पाए थे पहले, लेकिन उस और का मतलब कल समझ में आया कि ये पहले नेता नहीं, समाज सेवक नहीं, ये पहले गुंडा था। और जैसे कि भाजपा की नीयत है, जब भाजपा में कोई नहीं होता है तो देशद्रोही भी होता है, आतंकवादी भी होता है और गुंडा भी होता है, लेकिन भाजपा के में आने के बाद वो गंगाजल से पवित्र कर दिया जाता है।